मोदी राज में कुछ आदतें ऐसी हैं जो कभी नहीं बदल सकती और इन आदतों में सबसे ज्यादा बयान देने की आदत है। बीजेपी के लोग कभी कभी ऐसी बातें कर जाते हैं जिसे सुनकर आम आदमी हैरान हो जाता है। भले ही सियासी खेमे में तारीफ बटोरने वाला भाषण होता है, परंतु आम जिंदगी में उन बातों को लागू करना मुश्किल होता है। इस बार भी बीजेपी के सांसद ने प्लास्टिक बैन को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है जो लोगों के गले नहीं उतर रहा। हालांकि यह बयान प्लास्टिक बैन के समर्थन में था। बीजेपी के सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि चुल्लू बनाकर पानी पीने और दांतों को साफ करने के लिए दातुन या नीम की टहनी का इस्तेमाल करने की पुरानी भारतीय आदतों की वापस लाना चाहिए। लेखी ने बृहस्पतिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि भारत ने ऐसी चीजों को अपनाकर काफी ऊर्जा और संसाधन बर्बाद किए हैं जो हमारे नहीं हैं। भले आज के जमाने में कौन पेड़ों से नीम की टहनी तोड़कर रोजाना इस्तेमाल करेगा, माना कि यह अच्छा तरीका है, परंतु आज के समय में इन बातों को लागू करना आसान नहीं। यही नहीं, मीनाक्षी लेखी ने गिलास की जगह हाथों से पानी पीने की हिदायत दे दी और इस तरीके को सबसे स्वच्छ बताया है। जहाँ लोग इन्हीं कुछ आदतों की वजह से बीमार हो रहे हैं, वहीं मीनाक्षी फिर से ऐसी आदतें बनाने का सुझाव दे रही हैं। सभी को फिल्म पैडमैन याद होगी, जिसमें लड़कियां महावारी के वक्त औरतों को गंदा कपड़ा इस्तेमाल न करके सैनिटरी नैपकिन्स इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है, जिससे औरतों को बड़ी बीमारी से बचाया जा सके। परंतु मीनाक्षी लेखी ने इसको लेकर भी ऐसा बयान दिया है जो शायद ही किसी को आज के जमाने में सही लगे। उन्होंने कहा कि जब सैनिटरी नैपकिन्स पर 18% GST लगाया गया तो महिलाओं ने खूब मुखालफत की, बिना यह सोचे कि हम पॉलीमर के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। सांसद ने कहा, मेरी दादी, आपकी परदादी, परनानी हर कोई कपड़ा इस्तेमाल करती थी जिसे एक बार इस्तेमाल के बाद नष्ट कर दिया जा सकता है। इस पर और चर्चा से सैनिटरी पैड्स के रूप में प्लास्टिक पॉलीमर का इस्तेमाल कम करने में मदद मिलेगी। मीनाक्षी लेखी ने अपने इस बयान में औरतों को पुराना कपड़ा इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। हालांकि कोई भी डॉक्टर इस तरह का सुझाव नहीं देता। प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने का सुझाव तो दिया जा रहा है, परंतु साथ ही कई बीमारियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी बातों की जानकारी होते हुए भी बीजेपी सांसद अनजान बनते हैं। शायद इसलिए आजकल हर कोई बीजेपी के इन्हीं बयानों के चलते उनका मजाक उड़ा रहे हैं। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पेट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पेट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी यह है कि पेट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पेट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।